आज से 10 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि 2G से सफर 5G तक चला जाएगा, या लोग एक पैंडेमिक के बीच घर बैठे सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप के जरिए अपना काम इतना स्मूथली कर पाएंगे। ठीक उसी तरह आज के 21st सेंचुरी में एक करियर ऑप्शन ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। क्या किसी ने सोचा था कि लोग ई वॉलेट कंपनीज, OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon, वूट में काम करेंगे? इस 21st सेंचुरी के दौर में करियर्स फास्ट डेवलप और चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है, उसके लिए तैयारी आज करनी होगी। आपकी इसी कुछ कन्फ्यूजन्स को ध्यान में रखते हुए आज द वायरल कंपनी आपके लिए टॉप फ्यूचरिस्टिक करियर ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे। लगातार बढ़ते सोशल मीडिया और उनमें प्रेजेंस की वजह से आज एक डिजिटल मार्केटिंग करियर इतना ऑन डिमांड हो चुका है कि एक सेलिब्रिटी से लेकर एक लोकल रेस्टोरेंट भी अपनी विजिबिलिटी और सेल्स के लिए सोशल मीडिया पर है। और वैसे भी अगर आप आज ऑनलाइन नहीं हैं तो यू आर जस्ट नोवेयर। एक डिजिटल मार्केटर का काम अपने क्लाइंट्स के गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों के बीच डिजिटली रखना है, उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाना है। एक डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको SEO, SEM, डिज़ाइन प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स आने जरूरी है। भारत में एक डिजिटल मार्केटर की सैलरी 3 लाख से 9.9 लाख के बीच जाती है। कंपनीज जैसे कि टीम पम्पकिन, आई प्रोस्पेक्ट, सेसा कुछ ऐसी कंपनीज है जो इन्हें हायर करती है। आजकल करियर ऑप्शन के रूप में एक डेटा एनालिस्ट की डिमांड भी काफ़ी है और आने वाले समय में इसकी डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। एक डेटा एनालिस्ट का रोल एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टेक्निक जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा को एनालाइज करके उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे सजेशंस दे करके उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स है जो आने ज़रूरी है। इसकी एवरेज सैलरी 10 लाख से 25 लाख तक बढ़ सकती है। ओरेकल, फ्लिपकार्ट, लिंक्डइन कुछ ऐसी कंपनीज है जो इन्हें हायर करती हैं। अब बढ़ते हैं एक ब्लॉकचेन डेवलपर की तरफ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की सिर्फ डिजिटल करेंसी ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटली ट्रांसफ़र करके उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और यही आता है एक ब्लॉकचेन डेवलपर का रोल। इनका काम एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो किसी भी तरह के ट्रांसफ़र को सक्षम बनाते हैं, सक्षम के साथ साथ सुरक्षित भी बनाते हैं। इसके लिए क्रिप्टोग्राफी, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे स्किल्स आने ज़रूरी हैं। इसकी एवरेज सैलरी 2.3 लाख से 20.6 लाख तक होती है। टॉपटेल, अमेजॉन, स्टारबक्स कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं जो ये जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। अब बढ़ते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरफ। एक साइबर सिक्योरिस्ट का काम होता है अपने कंपनी के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स को साइबर क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करना। ये अपने कंपनी के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को डिटेल में समझकर उन्हें मॉनिटर करते हैं। आजकल साइबर क्राइम्स के इतने बढ़ने के कारण इस नौकरी की डिमांड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। अब बढ़ते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की तरफ। पिछले 4 सालों में एक AI स्पेशलिस्ट की डिमांड 75% तक बढ़ चुकी है। इनका काम मशीन लर्निंग मॉडल्स को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कंप्यूटर साइंस, डेटा मॉडलिंग, इवैल्यूएशन, न्यूरल नेटवर्क्स जैसे कुछ स्किल्स आने इम्पॉर्टेंट है। इसकी नेशनल एवरेज सैलरी 23,40,266 रुपीज़ है। Amazon, Intel, Microsoft कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इन्हें जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। इस रोल के लिए आपको स्क्रिप्टिंग, हैकिंग, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे स्किल्स आने ज़रूरी है। इसकी एवरेज सैलरी 3 लाख से 5 लाख तक जा सकती है। इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इन्हें जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे आज के इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी और एक अच्छा करियर ऑप्शन ढूंढने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।